दिल्ली की बात निकल आएगी। स्टार्ट ये कप्तानी से ही हुआ था। देखिए जब कप्तानी दी गई हार्दिक पांड्या को, तब से ही ये जो एक एटमॉस्फेयर बना मुंबई इंडियंस के कैंप में, वो अभी तक नहीं वहां से उभर पाए हैं। और हार्दिक पांड्या को कम ऑफ टीम हैज एक्सेप्टेड, बट वो टीम में जो जिस तरह जेल करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और मुझे लगता है कि ऐसा इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया गया, क्योंकि टीम अच्छा कर रही थी, रोहित एक एस्टेब्लिश कैप्टन थे, 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जिता चुके थे, फिर ऐसे कप्तान को बदलना आई थिंक बहुत बड़ी मिस्टेक ही मैं कहूंगा इसको थी। क्या रीजन रहा होगा ये तो मुंबई इंडियंस के फ्रेंचाइजी जानते होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा रीजन रहा कि आज वो वहां पर नहीं। सर सुनील जी, सुनील जी, मैं चाहूंगा अगला सवाल भी आप राजकुमार जी से ले, लेकिन उससे पहले अतुल वासन को भी आप पिक्चर में ले आए। मिस्टर वासन, आपको वेलकम करते हैं आज के शो में, बादब बा मुलायजा। नहीं, मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरा कैमरा उल्टा सीधा सब ये, क्योंकि टेक्नोलॉजी मेरे बस की नहीं है, तो इसलिए कुछ मुझे पता लगता नहीं। आप जैसे ही मुझे देख लें मुझे हेलो कर दिया करें, क्योंकि मुझे पता लगता नहीं। आई कैन हियर यू गाइस बट आई डोंट नो वेदर यू कैन हियर और लुक सी मी वेरी वेल। हम अच्छी तरीके से आपको सुन सकते हैं अतुल जी। अतुल बहुत देर है। अतुल वेलकम टू द शो। अतुल, एक जगह पे आप देखेंगे, हमने कोचेस की बात करी, मुंबई इंडियंस टू मेनी स्पॉइल, टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। दूसरी बात कही है कि इनके पास जो चेंजेस, सब कुछ दूर रखो, पावर प्ले की बात करते हैं। ये ऐसी टीम है जिसने सबसे ज्यादा रन भी दिए पावर प्ले में, दूसरा इनके क्रैक्स भी दिख रहे हैं। रोहित शर्मा बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म बॉलर को खेलते हैं, बट उसी तरह से आउट भी हो जाते हैं। 5 दफे आउट हुए एज कम्पेयर टू फास्ट राइट आर्म बॉलर। फील्डिंग में देखिए, इन्होंने सबसे ज्यादा मैच कैचेस छोड़े। तो ये स्टार्ट होती है पावर प्ले से, या ये उससे पहले स्टार्ट होती है जब ये डगआउट में जाते हैं, किट बैग रखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि एक बार देखिए सीजन स्पाइट ऑफ आपका, आपने जैसे अभी मैं सुन रहा था आपको, आपने तिलक वर्मा और ईशान किशन की बात की, आप तो उनको ऐसे बता रहे थे जैसे कि डेविड वार्नर और रिकी पॉन्टिंग है, कि उनके होते हुए कैसे हार रहे हैं। मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जसप्रीत बुमराह अकेले गेंदबाज है, वो अकेले मैच ही जिता सकते हैं, पर बात है जो प्रॉब्लम है कि राहुल सांघवी की आपने बात की, उनकी बात की, मुझे लगता है कि ये क्रिटिसिज्म जो है ना, या हमारे एज अ हमारे व्यू पॉइंट से, हमारे नैरेटिव से बनता नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं खेल रहे, चाहे जो मर्जी करें, क्योंकि ये कॉर्पोरेट टीम है, एक कंपनी है। अगर कंपनी अच्छी नहीं चलती है, और अगर सीईओ बदलती है, सीएमओ चेंज करती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी बदलती है, तो मरे या बैंकक्रप्ट हुए, हमें क्या लेना देना? तो ये फ्रेंचाइज क्रिकेट प्राइवेटली, हमें देखना है कि अच्छी टीम जो खेल रही है, चाहे जो मर्जी करे, उनके पास जैसे पहले साल राजस्थान रॉयल्स के पास एक कोच था, सिर्फ कप्तान और कोच इकट्ठा ही था, शेन वॉन। तो वो क्या हुआ, क्योंकि देखिए एक था कि कलेक्टिवनेस ऑफ डिसीजन, एक आदमी ले रहा है, उसके बीच में क्लटर नहीं है, ही डजंट हैव टू प्लेकेट, डजंट हैव टू प्लीज मेनी पीपल की भी टीम, तो वो जीत गई टीम। तो अनकलटर्ड माइंड से जो चीज होती है, और आपने देखा मुंबई इंडियंस का पहले मैच से ही आपने जो हारना शुरू कर दिया था 2-3 मैच, फिर क्या होता है, बड़े स्टार्स जो होते हैं वो मेंटली थोड़ा चेकआउट कर जाते हैं, दे थिंक यार कैश पैसा आ गया बैंक में, अब मैं वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करूँ। जो छोटे स्टार्स हैं उनको लगता है कि हमारी जगह ही नहीं बन रही T20 वर्ल्ड कप में, वो भी कहते हैं चलो हम कोशिश करेंगे, हुआ हुआ नहीं हुआ। पर जो टीम है ना कि जीतनी है, इस बार जीतना फ्रेंचाइज मुंबई इंडियंस की है, वो बात नहीं नजर आ रही, वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया है उनका जो पैशन है आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट 3-4 गेम्स।